हेलो स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के तत्वों में संक्रमण तत्व को समझा हमने। संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाते ये समझा। और एक और दोस्तों, एक लास्ट एंड फाइनल सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में पूछा गया है, 23 में आया है, इसलिए हमने उठाया है। हम ऐसे वैसे टॉपिक्स नहीं लेकर आते हैं, वीडियो नहीं लेकर आते हैं, वही लेकर आते हैं जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है, जिसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर आप टॉप करना चाहते हैं, सवाल ये है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। भाई संक्रमण तत्व के जो आयन होते हैं वह रंगीन क्यों होते हैं, क्यों रंगीन आयन बनाते हैं, हमें बताते भी नहीं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। आज हम आपको बताएंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर कैसे और क्यों बनाते ये रंगीन आयन, ठीक है। ठीक है, सो टेंशन लेने की नहीं है बात, जब हम आपके हैं साथ। चलिए अपने आज के इस वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, संक्रमण तत्व सबसे पहले समझना आपको चाहिए था, और वीडियो हमने बनाई है संक्रमण तत्व क्या विशेषता, ये जरूरी था, तो हमने सबसे पहला वीडियो वो बनाया था, सो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। संक्रमण तत्व एक तरीके से आपका क्या होता है दोस्तों, डी ब्लॉक का ही तत्व होता है सिंपली, ठीक है। बस क्या होना चाहिए संक्रमण तत्व में, डी ब्लॉक के तत्वों में से जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीन चीज़ों को आप निकाल देंगे ना, तो जो भी तत्व बचेगा वो संक्रमण तत्व होगा। इसके क्यों नहीं होते संक्रमण तत्व, वो हमने बताया था कारण भी अच्छे तरीके से। ये इसलिए नहीं होते क्योंकि इनमें जो दोस्तों डी उपकच्छक होता है, डी उपकच्छक नाम तो सुना ही होगा, इस ये क्या होता है पूरी तरीके से भरा होता है, बोले तो इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते ही नहीं है, सब भरे होते, सबका जोड़ा होता है अपना अपना, सो इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व वे डी ब्लॉक के तत्व हैं जिसके डी उपकच्छक में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे ना हो, अपूर्ण हो, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उसमें, ठीक है, वो संक्रमण तत्व है आपका। और दोस्तों संक्रमण तत्व के आयन में भी यही चीज देखा गया, संक्रमण तत्व का आप कोई भी आयन बनाओ उसमें भी दोस्तों आपका क्या होता है, अंतिम डी उपकच्छक अपूर्ण ही होता है, यानी कि उसमें भी आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही कारण है कि दोस्तों उस संक्रमण तत्व के आयन भी, संक्रमण तत्व के आयन रंगीन होते हैं क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही बात है क्या, देखिए ये तो है कारण, अब इससे कैसे वो रंग दिखा रहे भाई, लाल पीला हरा नीला, कैसे ये रंग दिखा रहे हैं वो समझना है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डीडी संक्रमण, ये भी समझना है हमें, क्लियर। सो आज इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे डीडी संक्रमण क्या होता है, ये रंग क्यों दिखाते हैं, ताकि एग्जाम में आगे आने वाले सवालों में कुछ भी सवाल फंसेगा तो आप करके आओगे, दिमाग से खुद से लिख कर आओगे, ठीक है। सो चलिए आप एक एग्जाम्पल हम आपको लिंक लेकर दिखाएंगे और उससे सब कुछ समझेंगे। एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं संक्रमण तत्व आयरन, ठीक है, इसका चलिए हम एक आयन बनाते हैं प्लस टू, ठीक है। आयरन का एक आयन होता है प्लस टू, प्लस थ्री भी होता है आयरन का आयन, सो हमने प्लस टू वाला लिया है। अब दोस्तों देखा जाए ना, इसका जो रंग होता है वह होता है हरा, हरा रंग होता है इसका। अब ये रंगीन कैसे है, क्यों ये रंग दिखा रहा है, कैसे रंग दिखा रहा है, डीडी संक्रमण इसमें होता है दोस्तों। अब कैसे क्या है आइए आपको समझाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखिए, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, फिर उसमें से दो इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो आपका Fe प्लस टू बन जाएगा भाई। इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, प्लस टू मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन हटा देने हैं आपको, बस यही तो करना है, करिए आइए करते हैं। लिखते हैं 1s2, 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, ठीक है, फिर आएगा 3p6, फिर आता है 4s2, ठीक है, फिर लास्ट में दोस्तों 3d आता है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है ना, क्योंकि प्लस टू है, तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एस के पास दो इलेक्ट्रॉन है तो ये चुपचाप अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो यहां जीरो हो जाएगा, तो ये Fe से Fe प्लस टू बन जाएगा आपका आयरन, ठीक है। चलिए एंड यहां पर देखिए अंतिम वाला जो डी उपकच्छक है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और जो कि अभी भी दोस्तों पूरा भरा नहीं है, ये अभी भी अपूर्ण है, आपको विश्वास नहीं होता आप खुद देखिए, भर के आपको दिखाते हैं। डी उपकच्छक हम बना रहे हैं यहाँ पर, 5 इसमें कच्छक होते हैं और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन अगर हम भरेंगे तो आप देखिएगा, देखिएगा आप 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 और फिर ये 6, देखो 4 इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या है अयुग्मित है, कितने 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है ना। बस अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिख जाए तो समझ लीजिए कि वह आयन आपका रंगीन ही होगा।
अब कैसे रंग दिखाता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, डीडी संक्रमण होता है। डीडी संक्रमण का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर आप डीडी संक्रमण समझ जाएंगे। व्हाट इज डीडी संक्रमण? डीडी संक्रमण में क्या होता है ना, डी अगर डी वाले उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन दोस्तों अयुग्मित होते हैं, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं डी वाले उपकक्षक में, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, तब वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो वातावरण में जो हमारी सूरज से किरणें आ रही है, प्रकाश आ रहा है जिससे हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर दृश्य प्रकाश का मतलब भी वही है कि वह प्रकाश जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं, उस प्रकाश से क्या करता है दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉन जो इस डी वाले उपकक्षक में अयुग्मित है वह दोस्तों क्या करता है, ऊर्जा लेता है, ऊर्जा को अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक है। दृश्य प्रकाश से कुछ विकिरण को लेता है, कुछ विकिरण को अवशोषित करता है। दृश्य प्रकाश में आप सभी जानते हो ना, वो सात कलर होते हैं, विब ग्योर लिखवाते हैं यहाँ पर, विब ग्योर, ये सात कलर होते हैं दोस्तों दृश्य प्रकाश में। तो इसमें से कुछ कलर को क्या करता है, कुछ विकिरण को क्या करता है, ये अवशोषित करता है, ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन अवशोषण करके पहले इस वाले डी कक्षक में था, इसको बोलते हैं निम्न ऊर्जा वाला, निम्न ऊर्जा वाला ये डी कक्षक है आपका, ठीक है। जैसे ही ऊर्जा को अवशोषित किया, कुछ विकिरण दोस्तों दृश्य प्रकाश में से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो लेकर ऊर्जा अवशोषित कर ये सभी दोस्तों उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं, और इसी को ही बोलते हैं डीडी संक्रमण। यस, ओके। और इसका परिभाषा भी नीचे आपको लिखा दिखेगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, आएगा तो आप लिख दीजिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित डी उपकक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से कुछ विकिरण को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में जब चले जाते हैं तो उसे डीडी संक्रमण बोलते हैं। और इसी डीडी संक्रमण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ रंग को दोस्तों प्रेषित करते हैं, कुछ रंग को निकालते हैं। इसी क्रिया में तो आगे आप लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे, इस क्रिया में जो आपके इस क्रिया में दोस्तों आपका एक रंग निकलता है, एक रंग निकलता है जो आपके आंखों में पड़ता है, जो ही हम देखते हैं और कहते हैं कि यार ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है, ये नीला है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, सारा इसी लाइन में ही आपका पूरा मामला खत्म। कैसे, देखिए पूछेगा एग्जाम में कि आयन रंगीन क्यों होते हैं संक्रमण तत्व के, आप लिखेंगे क्योंकि इनके अंतिम डी उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, यानी कि ये अपूर्ण भरा होता है, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश से जो हमें दिखाता है हर एक वस्तु को जिससे हम देख पाते हैं, उस दृश्य प्रकाश से कुछ विकिरण को, भाई कुछ विकिरण को अवशोषित करके कहाँ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा वाले। देखो पहले क्या किया ये इलेक्ट्रॉन ने, क्या किया इसमें जो अयुग्मित थे उन्होंने विकिरण अवशोषित किया भाई, ठीक है। ऊर्जा क्या, एक विकिरण के रूप में ही ऊर्जा को अवशोषित किया दृश्य प्रकाश से, और चले गए उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में, और इसे बोलते हैं डीडी संक्रमण, इसे बोलते हैं डीडी संक्रमण। और इस डीडी संक्रमण में यह कुछ रंग को निकालते हैं, या आप लिख देना अच्छे तरीके से परिभाषा में, कुछ रंग प्रेषित करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो कि क्या होता है, अवशोषित रंग का पूरक होता है। अवशोषित रंग का पूरक का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कुछ अवशोषित किया पहले तभी जाकर कुछ निकाला, ठीक है, वही हमें दिखता है, और हम कहते हैं कि यार ये तो रंगीन है, यही कारण है पेन, ठीक है। तो हमने देखो आपको समझाने की कोशिश की, ये चार लाइनें हमें रट के कुछ नहीं मिलेगा जब हम समझेंगे नहीं, क्योंकि हमें टॉप ही नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है भाई। 12th के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रटना काम नहीं आता है, आप रट लोगे 12 पास कर लोगे उसके बाद दिक्कतें होंगी, इसलिए हमने इस टॉपिक को अच्छे से लिया क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो क्यों ना समझा दिया जाए अच्छे तरीके से, ताकि आपको वहाँ तक तो काम दे ही आगे भी काम दे। तो एक वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप बता दे सकते हैं हमारे लिए, और जाने से पहले एक लाइक तो बनता है भाई, कर दीजिएगा, ठीक है।
एंड चैनल पे आप सभी रहें तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करके ही जाइएगा, ठीक है, हमसे जुड़ जाए। और आप सभी जानते हैं क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक बेहतरीन प्लेलिस्ट हमने बनाया है, चैनल पे है आपके, जाइए और हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को एग्जाम से पहले प्लेलिस्ट के थ्रू बढ़िया तरीके से फिनिश कर दीजिए भाई, ठीक है। हमने कोई भी टॉपिक रटाया नहीं है, समझाया आपको, ठीक है। सो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, आगे बढ़ते रहें, जय हिंद, वंदे मातरम।